हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली IBPS PO की वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि इस वैकेंसी के आने से बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, बल्कि ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि यहाँ वैकेंसी टोटल 1167 वैकेंसी इस बार आई हुई है। जनरली देखा जाए तो IBPS PO की वैकेंसी हर साल 4000 प्लस ही वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन इस साल 1167 वैकेंसी अभी आई हुई है। इसमें बहुत सारे कुछ लॉजिक हैं जो कि मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल से आगे बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल जानने वाले हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एज लिमिट क्या होने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप देखते हैं तो आपका जितना भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले बात करें अगर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 5 अगस्त से 26 अगस्त तक रखी गई है, यानी कि 5 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात कर ले इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो इन्होंने जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दी हुई है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, जो कि है आपकी 3, 10 और 11 अक्टूबर को, 3, 10 और 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो टेंटेटिव है। अगर सब सिचुएशन कोविड की सही रहती तब ये एग्ज़ाम होगा, नहीं तो ये आगे चेंज भी हो सकता है। और इन्होंने जो अपना मेंस का एग्ज़ाम की डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28 नवंबर को, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें अगर इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की, तो देखिए फिर से एक बार IBPS ने आपको झटका दे दिया इस कोविड की सिचुएशन में। फॉर्म फीस एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ रख दी है। जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ फॉर्म फीस है 850 रुपये, और साथ में SC और ST कैटेगरी के लिए है 175, यानी कि 175 रुपये। तो फॉर्म फीस तो बहुत ज़्यादा है। जितने भी यहाँ सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो कि सच में IBPS PO का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ही इस फॉर्म को भरे। जो लोग सिर्फ मज़े मज़े में भरना चाहते हैं वो लोग मत भरें, क्योंकि सिर्फ पैसा ही बर्बाद होगा, और अगर आपने तैयारी नहीं की है तो यहाँ ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में, तो इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 से 30 साल रखी गई है, यानी कि 20 to 30 ईयर के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ जो एज काउंट होने वाली है वो 1/8/2020 यानी कि 1 अगस्त 2020 तक काउंट होगी। अगर आप 1 अगस्त 2020 तक 20 साल के हो चुके हैं और 30 साल से ज़्यादा के नहीं हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक भी दिन अगर आप कम होते हैं, अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है एज, या तो आप एज से ऊपर चले जाते हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये IBPS है, यहाँ कोई भी यहाँ रियायत नहीं मिलती है। तो 20 से 30 के बीच में अगर आप आते हैं इस डेट के बीच में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में जो कैटेगरी वाले हैं यानी कि OBC SC ST हैं, उनके लिए जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल 3 साल का, तो वो इनको यहाँ मिलने वाला है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप जाके वहाँ इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ओनली ग्रेजुएशन पास है। अगर आपने BA, BSc, BCA, BTech, BE, BCom कुछ भी किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 50% के साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 26 अगस्त तक आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिए यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, और मेंस के साथ ही आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल यहाँ 3 स्टेज होते हैं। इंटरव्यू के बाद बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी की जो मेडिकल की प्रोसेस होती है छोटी मोटी, वो आपकी यहाँ हो जाती है। तो टोटल आपको इन मेन मेजर जो है 3 स्टेज से होकर यहाँ गुजरना है, फिर आपका यहाँ फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा, जो कि अप्रैल तक हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है वहाँ आपके इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आएंगे, जहाँ इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ यहाँ आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के।
तीनों के लिए टोटल टाइम आपका 1 घंटा रहेगा, जो कि आपका सेक्शनल टाइम यहाँ रहने वाला है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट अलग अलग मिलेंगे। और साथ में आपको यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये IBPS PO के फॉर्म है, यहाँ IBPS PO में सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ लिया जाता है, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ क्लियर करना होगा, तो इन चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके मेंस के लिए। तो देखिए, इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ क्या क्या आएगा उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ आपका आएगा रीजनिंग और साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो ये जो आने वाला है, तो यहाँ आपके टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 45, 60 मार्क्स का यहाँ आपका होगा, साथ में आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके साथ आपको यहाँ जनरल जनरल अवेयरनेस और साथ में बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जो कि 35 मिनट में आपको करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जो कि आपको 40 मिनट में करने होंगे। और इसके बाद मैथ यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन इसमें मेंस में देखने को मिलते हैं। तो आपका ये मैथ्स आएगा यहाँ 35 क्वेश्चन, जो कि 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टोटल यहाँ 155 क्वेश्चन होने वाले हैं 200 मार्क्स के, जहाँ आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। साथ में मेंस के साथ में ही IBPS में डिस्क्रिप्टिव साथ में होता है, तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जहाँ आपकी लेटर राइटिंग और एसे आपकी पूछी जाएंगी, जो कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, 30 मिनट का आपको यहाँ टाइम मिलने वाला है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपकी होने वाली है, यानी कि अगर आप 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स जो हैं आपके यहाँ कटेंगे। तो इस चीज़ का भी आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम के टाइम पे मत करिएगा। अब एक ज़रूरी बात मैं आप लोग को यहाँ बताने जा रहा हूँ कि देखिए, कोविड की सिचुएशन है, इसलिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ एग्ज़ाम सेंटर में कुछ यहाँ गाइडलाइंस इन्होंने रखी हुई है। तो वो गाइडलाइंस क्या है, चलिए अब देख लेते हैं उनके बारे में। तो देखिए, यहाँ आपको मास्क पहनना होगा, जो कि मास्क आपके लिए कंपलसरी है, N95 का मास्क यहाँ आपको चाहिए। साथ में आपको यहाँ ग्लव्स लेके चलना पड़ेगा अपना, और जो भी आपके प्लास्टिक के वो ग्लव्स होते हैं वो, अपना वाटर बॉटल आपको खुद रख के चलना होगा। वहाँ आपको ये व्यवस्थाएं नहीं दी जाएंगी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में आपको 50 ml का, 50 ml का एक सैनिटाइज़र का बॉटल भी लेकर चलना होगा अपना खुद का। आपको आपको अपना ही पेन लेकर चलना पड़ेगा, वहाँ आपको पेन इस बार नहीं मिलने वाला है। और अपना जो भी कॉल लेटर है वो सब आपको अपने पास रखना रहेगा, क्योंकि इस बार थोड़े अलग टाइप की प्रक्रिया होने वाली है नए सिरे से, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ों में, इन चीज़ों में बदलाव देखने को आपको मिलने वाला है। तो इसलिए ये जो जितनी भी गाइडलाइंस है ये आपको फॉलो करनी होगी सेंटर में जाने पर। तो इसलिए इन चीज़ों का आप लोग पहले से ध्यान दीजिएगा, जब आप सेंटर पर जाएंगे तो ये सब गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर जरूर जाइएगा। बाकी जो भी आपकी ID वगैरह लगती है और एडमिट कार्ड रहेंगे, वो सब भी आप लोग यहाँ से लेके जरूर जाइएगा। साथ में यहाँ एक चीज़ और इन्होंने दी हुई है कि एग्ज़ाम जब आपका वहाँ चलेगा तो वहाँ जो आपके रफ सीट मिलती है, तो रफ सीट आपको यहाँ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली है, जो आपको एक बार दे दी जाएगी, 1 या 2 रफ सीट जो कि अलग प्रकार की कुछ होने वाली है। तो देखिए, वो रफ सीट जो आपको पहले मिल जाती थी, आप जितना भी मांगते, तो वो इस बार नहीं मिलने वाली है। एक बार जब एग्ज़ाम से पहले जो भी रफ सीट वो दे देंगे, सिर्फ उतनी ही रफ सीट आपको मिलने वाली है, उससे ज़्यादा रफ सीट ये आपको नहीं देने वाले हैं। तो इसलिए आप उस हिसाब से ही अपना और रफ सीट का जो भी यूज है करिएगा वहां पर। तो अब चलिए फाइनली मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि आखिर इसका वैकेंसी का मामला क्या है। टोटल यहां 1167 वैकेंसी आई हुई है। तो अब इन वैकेंसीज में क्या ऐसा प्रॉब्लम है, देखिए, जहाँ जहाँ NR लिखा हुआ है, NR का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, यानी कि देखिए, कोविड की सिचुएशन के कारण बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, उन्होंने अपनी वैकेंसी को रिलीज नहीं किया है। और IBPS जो है वह अपने कैलेंडर के अनुसार, वह अपने कैलेंडर का एकदम पक्का है, जब भी वो अपना कैलेंडर जारी करते हैं तो वो उसी समय में अपनी वैकेंसी को निकाल देते हैं। तो अगस्त में उनका शेड्यूल था कैलेंडर, वैकेंसी उनकी अभी आने ही थे, तो बहुत सारे बैंकों ने कोविड के कारण अभी जो है अपनी वैकेंसी को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, इसलिए यहाँ अभी NR यहाँ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ आगे जाके आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जो भी 4000 वैकेंसी हर साल आती थी वहाँ आपको 4000
4000 वैकेंसी ही देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए कि 1167 वैकेंसी आई है तो इतनी कम वैकेंसी आई है तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे, बहुत कम वैकेंसी, ऐसा नहीं है। वो अभी के लिए है, जैसे ही सारे बैंक धीरे धीरे अपना रिस्पॉन्ड करेंगे, अपनी वैकेंसी रिलीज करेंगे, तो वो वैकेंसी यहाँ ऐड होती जाएंगी। तो ये लगभग वही 4000 के करीब ही वैकेंसी होने वाली है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स 4000 वैकेंसी यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है। जो यहाँ और नील लिखा हुआ है अगर कहीं पर, तो नील का मतलब वो वैकेंसी अब नहीं आने वाली है, लेकिन जहाँ जहाँ NR लिखा हुआ है वहाँ आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। और जहाँ जीरो लिखा हुआ है, तो देखिए जीरो का वो उनके ऊपर है कि वो वैकेंसी रिलीज करते हैं या नहीं करते हैं। वो कुछ बैंकों ने ऐसा कर दिया कि वो कर भी सकते हैं अगर उनके पास वैकेंसीज रही तो, वो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ NR लिखा हुआ है वहाँ वैकेंसी पक्का आएंगी, जो कि अप्रोक्स 4000 के करीब आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अगर इस डाउट में हैं कि ओनली 1167 वैकेंसी आई है तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे, तो ऐसा मत करिए। क्योंकि देखिए 1167 वैकेंसी आई हुई है, वो मेंस में वो 10 टाइम्स लोग लेते हैं, यानी कि 11,670 लोग मेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब मान लीजिए कि बहुत लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा, तो उससे क्या होगा कि जो लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, कि अभी तो 1167 वैकेंसी देख के बहुत लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जब 4000 वैकेंसी आ गई और 11,670 लोग मेंस देंगे, तो सीधे 4000 लोगों का वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ 7000 लोग ही दुखी होकर निकलेंगे, लेकिन अगर 4000 वो अभी कर देते तो 40000 लोग जाके वहाँ एग्ज़ाम देते मेंस का। तो इसलिए आप लोग उसमें मत रहिएगा कि वैकेंसीज कम है तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि जाकर बाद में इसकी वैकेंसीज बढ़ने वाली है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि काश फॉर्म भर दिया होता, जैसे IBPS क्लर्क में हुआ था। IBPS क्लर्क में करीब करीब 12,000 वैकेंसी पिछले साल, अभी 2019 में दिसंबर में जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 12,000 वैकेंसीज अनाउंस की गई थी, बाद में वो बढ़कर 18,000 हो गई। तो जिन लोगों ने उसका फॉर्म नहीं भरा तो उनको इतना ज़्यादा दुख हुआ था कि सीधे 6,000 वैकेंसीज बढ़ गई थी। तो इसलिए फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना, फॉर्म तो फीस तो ज़्यादा ही है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, और वो अभी ज़्यादा रहेगी, वो हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी व्यवस्थाएं, वो ये सब सैनिटाइजर वगैरह इतना सब काम वहाँ होने वाला है सेंटर्स में, तो उसके लिए ही इन्होंने फीस बढ़ाई हुई है। तो इसलिए फॉर्म अप्लाई करिएगा अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि IBPS में जाना चाहते हैं, बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं, या तो अभी स्टार्ट भी अगर कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा, धोखे में मत रहिएगा। तो फाइनली अब आप लोग को इस वैकेंसी से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो देखिए ये है IBPS PO, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि अर्बन एरियाज़ के लिए, यानी कि जो कि शहरी क्षेत्र होते हैं उनके लिए है। तो यहाँ जो आपकी शुरुआती सैलरी होती है वो अप्रॉक्स जो है, इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ, वो करीब करीब 30,000 से 32,000 रहती है। और अगर आप बाकी के अलाउंस वगैरह और ग्रॉस सैलरी अगर मान लें, तो लगभग लगभग ये जो है 40,000 के करीब इसकी सैलरी जाती है। तो जो इसकी सैलरी है वो बहुत ही अच्छी है, 30 से 40 हज़ार के बीच आपकी यहाँ सैलरी होने वाली है। तो सैलरी के बारे में आप लोग दिक्कत मत लीजिए, सैलरी यहाँ बहुत अच्छी मिलने वाली है। और बाकी के जो आपको अलाउंस मिलेंगे, जो हाउस का रेंट आपको मिलता है, और बाकी बाइक वगैरह गाड़ी के लिए जो आपको पेट्रोल वगैरह मिलता है, फर्नीचर के अलाउंस होते हैं आपके घर के, बहुत सारे ऐसे अलाउंस हैं जो कि आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। तो सैलरी के बारे में बिल्कुल भी दिक्कत मत लीजिए, सैलरी अच्छी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, उन सभी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने इस वीडियो में पूरी डिटेल से कवर किया है, और आप सब लोग को जितना भी डाउट था वो सभी डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई चीज़ छूट रही है या किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लिंक मैंने नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन का जो भी लिंक है, तो जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई भी इसे कर सकते हैं। और जो भी इसके अप्लाई करने के लिए फ़ोटोज़ और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उन चीज़ों का बराबर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म अगर गलत कर देंगे तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, जिन लोगों को भी IBPS PO का इस वैकेंसी का फॉर्म भरना हो। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।